सुमन कुमार, अधिवक्ता, समाज सेवी। आप किस जगह से और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत बेली दक्षिण, जयनगर पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 18 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में अभी तक विकास के मामले में बहुत पिछड़ापन है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि समाज में जो भी दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको समाज में विकास के मुख्य धारा के साथ जोड़ना। जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ तक विकास कार्यों को, सरकारी योजनाओं को पहुँचाना। आपका रोड मैप और विजन क्या होगा आपके क्षेत्र के लिए? हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर जोर देना। हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का घोर अभाव है। एक भी हाई स्कूल नहीं है, एक भी मध्य विद्यालय नहीं है। इस पर जोर देना है हमारा मुख्य उद्देश्य। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में पूरा लचर व्यवस्था है। हाल के दिनों में कोरोना का जो महामारी आया था, उसमें भी स्वास्थ्य व्यवस्था नग्न देखें। सरकारी तरह से किसी भी तरह का कोई भी ना, कहीं किसी का हाल चाल लेने वाला कोई था ना, कोई देखने वाला कोई था। हमारा जोर रहेगा कि समाज में एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का भी व्यवस्था किया जाए, जहाँ नियमित डॉक्टर हो और लोगों को सहूलियत हो, जो हम हर छोटे छोटे इलाज के लिए भागकर मुख्य अस्पताल नहीं आना पड़े। जनता से आप कैसा कहना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे, जनता से हम यही अपील करेंगे कि हमको चुनिए, हम आपके मान सम्मान और सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। जितना हो सकता है, हर संभव, हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह जीप छाप क्रमांक 10 पर है। हम सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि 12 दिसंबर 2021 को सभी कोई घर से निकले और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए हमें हमारे चुनाव चिन्ह जीप छाप पर अपना मत दें। मतों से हमें विजय बना लें और एक बार सेवा करने का मौका दें।